आजकल नेचुरल कंसेप्शन बहुत ही इम्पॉसिबल हो चुका है काफ़ी सारे कपल्स ऐसे हैं जो नेचुरल कंसेप्शन नहीं होने के कारण कई तरीके के ट्रीटमेंट्स आप कर रहे हैं समटाइम्स वी आर गोइंग फॉर इन्वेजिव प्रोसीजर्स एज वेल यहाँ पे हम मेडिकेशन से थक कर जब हम इन्वेजिव प्रोसीजर्स पे जाते हैं तब हमें डिफरेंट ओपिनियंस मिलते हैं जैसे कि आई या फिर आई अगर आपको ऐसे लगता है कि आपके लिए कौन सा मेथड सही है या नहीं है तो आज हम इस वीडियो में ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि आई और आई दोनों एक्चुअली क्या है एंड आपके लिए कौन सी चीज़ क्या बेहतर हो सकती है एंड में ये भी देखेंगे कि इससे बेहतर चीज़ और क्या हो सकती है सो डू वॉच माई वीडियो टिल द एंड असलम हैलो एवरी वन दिस इज डॉक्टर ताहिरा एंड यू आर वेलकम टू माई चैनल जैसे कि हम देख रहे थे कि कंसेप्शन आजकल मेयरली पॉसिबल हो गया है तो अभी हम ऑप्शन देखेंगे अब थक कर आ गए हैं काफी आप काफ़ी सारे ट्रीटमेंट्स ऑफ्ट कर लिए हैं डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया आई यू आई या आई वी एफ और आपको जानना है कि कौन सा ट्रीटमेंट आपके लिए बेहतर है तो हम यहाँ पे ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि आई यू आई बेटर रहेगा या आई वी एफ तो आई यू आई की अगर हम बात करेंगे तो ये एक लेस इन्वेसिव प्रोसीजर है यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं किया जाता मोर इन्वेसिव में नहीं जाते यहाँ पे एक स्कॉम को लेते हैं और डायरेक्टली आपके यूट्रस में डालते हैं तो यहाँ पे एक सिंपल सा प्रोसीजर होता है

और जिसकी अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है यानी डॉक्टर्स को पता नहीं चलता एग्जैक्टली exactly पता नहीं चलता कि आपको इनफर्टिलिटी का इश्यू क्यों आ रहा है आपके हार्मोनल एसेस नॉर्मल होते हैं आपके हर हर प्रोफाइल नॉर्मल होती है एब्डोमिनल स्कैन सीमेन एनालिसिस, एवरीथिंग फॉल्स इंटू नॉर्मल येट डॉक्टर्स आर अनेबल टू फाइंड वाई यू आर नॉट कंसीविंग दैट्स वाई दे रिकमेंड यू यू आई नाउ लेट्स टॉक ब्रीफली अबाउट आई वी एफ आई वी एफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो काम हमारी बॉडी में होना चाहिए वो काम नहीं होने की वजह से डॉक्टर्स आपके क्या करते हैं आपका एग एंड स्पर्म लेते हैं एंड दे ट्राई टू फर्टिलाइज इट आउटसाइड योर बॉडी यानी लैब में आपका फर्टिलाइजेशन करते हैं एंड एम्ब्रियो जब प्रिपेयर हो जाता है विथ योर गुड क्वालिटी ऑफ एग एंड स्पर्म वो एम्ब्रियो को आपकी बॉडी में वापस से इम्प्लांट कर देते हैं अब देखते हैं कि आई वी एफ किस को रिकमेंड किया जाता है आईवीएफ उन औरतों को रिकमेंड किया जाता है जिसके फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेजेस है हाइड्रोसैल्फिक्स है और जिसका रिपीटेड आई यू आई साइकिल फेल हो चुका है एंड उन लोगों को भी दिया जाता है जिसका लो एएमएस काउंट है यानी कि ओविडन रिजर्व काफी हद तक कम होता है और चांसेस ऑफ नेचुरल कंसेप्शन इज इम्पॉसिबल या फिर जिसके आई यू आई एटेम भी फेल हो चुके होते हैं अगर हम आई के साथ इसको कंपेयर करेंगे तो इसका सक्सेस रेट ज़्यादा होता है यानी कि आई का जितना सक्सेस रेट है उससे कई गुना ज़्यादा आई का होता है लेकिन इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है और मोर इन्वेजिव प्रोसीजर होता है तो अगर हम बात करेंगे ब्रीवली इन दोनों के बारे में आई आई एक लेस इन्वेजिव प्रोसीजर है जिसका कॉस्ट भी कम होता है और सूटेबल है ऐसे कपल्स के लिए जो माइनर फर्टिलिटी से डील कर रहे हैं अब आई की बात करें तो ये मोर इन्वेसिव है और इसके सक्सेस रेट हायर है वन कंपेयर टू आई एंड सूटेबल है ऐसे कपल्स के लिए जिसके फर्टिलिटी इशूज़ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं नो मैटर विच ट्रीटमेंट यू चूज बट एक ऐसा लाइफ स्टाइल अगर आप जीते हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी गंदी है यानी टॉक्जिन्स हैं आपकी बॉडी में हॉर्मोनल इम्बैलेंस है तो आपकी बॉडी सक्सेस रेट नहीं बताती इवन फॉर आई वी एफ एंड आई यू आई काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो आई यू आई भी करवाते हैं कई साइकिल्स आई वी एफ भी करवाते हैं लेकिन स्टिल देन दे आर नॉट एबल टू तो कंसीव बाहर भी अगर फर्टिलाइजेशन करके देते हैं तो द तो तो एम्ब्रीओ फेल्स टू तो गेट ग्रो एंड इसकी वजह यह होती है कि आपकी बॉडी क्लीन नहीं होती तो हमें यह जान लेना ज़रूरी है कि जब भी आप कंसेप्शन को जाते हैं तो प्रायर आप अपनी बॉडी को क्लीन कर लीजिए कैसे क्लीन करेंगे बाई चेंजिंग योर लाइफ स्टाइल लाइफ स्टाइल में आप अपना खान पान बदलना है आपकी सोच बदलनी है स्ट्रेस से दूर रहना है फिजिकल एक्टिविटीज़ बढ़ाना है और ऐसे स्ट्रेनस एक्टिविटीज़ से दूर रहना है जो आपकी बॉडी पर इम्पैक्ट कर रहे हैं काफ़ी एंटी ऑक्सीडेंट रिच फूड लेना है आपको और कई ऐसे चीज़ें रोकनी है जिसकी वजह से आपका कंसेप्शन हैम्पर होता है जान लीजिए अगर आप आई को भी जाते हैं या आई को भी जाते हैं अगर आपकी बॉडी साफ नहीं है द बॉडी विल रिजेक्ट द एम्ब्रियो काफी केसेस में हमने ये देखा कि आफ्टर थ्री टू फोर मंथ्स ऑफ सक्सेसफुल इम्प्लान द बेबी गेट्स मिस यानी मिसकैरेज में लीड होता है और कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि बेबी की हार्ट बीट भी नहीं आती एंड स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो जाते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपका सक्सेसफुल प्रेगनेंसी हो तो पहले आपको यह करना है कि आप अपना लाइफस्टाइल बदल दें और अगर अगर आपको डर है कि आपकी उम्र लगातार बढ़ती जा रही है और आपके एग रिजर्व्स कम है या फिर स्पर्म परम के क्वालिटी या अकाउंट्स के ऊपर इफेक्ट हो रहा है और आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द कंसेप्शन करें तो आप लाइफ स्टाइल चेंज करके देखिए इन अबाउट थ्री टू फोर मंथ्स एटलीस्ट डेडिकेटेड टाइम दे दीजिए ताकि आप अपना लाइफ चेंज करेंगे एंड देन आई वुड लाइक टू सजेस्ट अगर लास्ट रिजॉर्ट में तो यू कैन गो फॉर दिस प्रोसीजर्स लाइक आई यू आई एंड आई वी एफ सो दैट आपके चांसेस ऑफ सक्सेस बढ़ जाए क्योंकि आपकी बॉडी uh, क्लीन होती है तो जाहिर सी बात है जब बॉडी क्लीन है तो बच्चा प्रॉपरली ग्रो कर पाएगा आपकी बॉडी में हर फर्टिलिटी जर्नी अलग होती है हर कपल्स अलग होते हैं तो हमें जान लेना चाहिए कि हमारी बॉडी में क्या प्रॉब्लम्स है अपने डॉक्टर के साथ मिलकर आप ये डिस्कशन जरूर कर सकते हैं कि कैसी लाइफ स्टाइल आप अपना कर ये चीजों में जाना चाहते हैं एट द लास्ट रिजॉर्ट होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए फायदेमंद होगी उनके लिए फायदेमंद होगी जो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आई बेटर है या आई बेटर या फिर हम इन दोनों के सक्सेस रेट को बढ़ाने के लिए क्या करें डोंट फोरगेट टू शेयर दिस इन्फॉर्मेशन विद अदर्स एंड डोंट फोगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विश यो गुड हेल्थ